जब बच्चे का ध्यान रखने के लिए कोई हो तब वेकेशन पर जाने का अलग ही मजा है, मगर मियाँ के पेरेंट्स के पास काफी मुश्किल चॉइस है। वो दोनों अपने अपने कैंडिडेट्स लेकर आए और अब जब पेरेंट्स वेकेशन पर जा रहे हैं, मियाँ दो बिल्कुल अलग नैनीज के बीच में फंस चुकी है। क्या आपने इस वीडियो को लाइक किया और सब्सक्राइब किया और बेल आइकन दबाना न भूले। खैर मियाँ की कहानी सुनते हैं। मियाँ बस एक साधारण बच्ची है, मगर उसकी नैनीज बहुत अनोखी है। मोनिका को ज्यादा शानो शौकत में दिलचस्पी नहीं है, वो ज्यादा पैसे खर्च करने में विश्वास नहीं रखती। उसने मियाँ को बीच पर सैंड कैसल बनाने को कहा, ये एक बढ़िया एक्टिविटी है, मगर ओलिविया ने मियाँ के सैंड कैसल वाले प्लान को चौपट कर दिया। बजट इसके बारे में कभी नहीं सुना। अगर बात मियाँ को खुश करने की है तो कोई कंजूसी नहीं, सैंड कैसल किसे चाहिए जब आप स्कूटर पर राइड कर सकते हैं। जाहिर है मियाँ की पसंद, बस एक पानी की लहर और वो पीछे रह गई। मियाँ पानी में है, उसे मदद की जरूरत है। मोनिका बचाने के लिए भागी, उसे लाइफ रिंग नहीं मिली तो उसने गाड़ी का टायर निकाल लिया और मियाँ को बचाने भागी, पर काफी देर हो गई। ओलिविया आ चुकी है और उसके पास लाइफ रिंग है। मोनिका पीछे रह गई। वीकेंड खत्म हो चुका है, इसका मतलब मियाँ का स्कूल जाने का टाइम हो गया। उसके इतने अच्छे वीकेंड के बाद वो बिल्कुल स्कूल नहीं जाना चाहती, तो वो बीमार होने का नाटक कर रही है। मोनिका उसे वापस ठीक करने की कोशिश कर रही है, वो पैसों पर विश्वास नहीं रखती, इसलिए मियाँ को अजीब नुस्खे देखने को मिलेंगे। मोनिका एक ट्रिप पर गई थी जहाँ उसने पुराने इलाज के तरीके सीखे, वो मजेदार है मगर थोड़े डरावने भी। कुछ मिनट बाद ही मियाँ की बीमारी बॉडी से निकल गई। कम से कम मियाँ ने अपनी नानी को पूरे दिन ऐसे देखने के बजाय स्कूल जाना ही ठीक समझा। मोनिका बच्ची का अच्छा ख्याल रखती है, हालांकि वो अजीब तरीके इस्तेमाल करती है, पर फिर भी मियाँ को वो पसंद है, शायद क्योंकि वो बहुत प्यारी है और हमेशा मियाँ की क्रिएटिव तरीके से मदद करती है। टूटा हुआ गमला कोई बड़ी बात नहीं है। मोनिका और मियाँ ने एक नकली गमला बना दिया ताकि ये छोटी सी दिक्कत एक लाइफ लेसन बन जाए, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। ओलिविया को तो लगा कि वो असली है। मोनिका और मियाँ का क्राफ्ट इतना अच्छा था कि ओलिविया ने उसे पानी दिया और उसे लगा उसने पौधे को खराब कर दिया। ओलिविया का मानना है कि बच्चों के सारे शौक पूरे होने चाहिए, इसलिए वो मियाँ के लिए एक महंगी जीन्स लाई जो वो हमेशा से चाहती थी, मगर अमीर नैनी के पास उसके लिए और सरप्राइज है और आगे का दिन भी हैरानियों से भरा होगा, क्योंकि मोनिका ने फटी हुई जीन्स देख ली और उन्हें सिल दिया। मियाँ को रैग्स नहीं पहनने चाहिए, मियाँ इस बात से खुश नहीं है। मियाँ का दोस्त आया है, मगर ओलिविया को नहीं लगता कि वो मियाँ के लिए सही है। What? ये शैतान मियाँ के आसपास भी नहीं होना चाहिए, इसलिए ओलिविया ने एक मेकओवर देने का सोचा ताकि वो थोड़ा बेहतर लगे। ये कमाल का सूट डेट के लिए सही रहेगा, बुके मत भूलना। अब तुम मियाँ से मिलने के लिए तैयार हो, वो सुंदर लग रही है। मियाँ के दोस्त ने नहीं सोचा था की डेट इतनी ड्रामेटिक होगी, पर डिनर करते करते मियाँ बोर हो गई। ये कितना बेकार और फेक है, और हालांकि वो सब ठीक करने की कोशिश कर रहा है पर नहीं कर पा रहा। मियाँ उससे खुश नहीं है। मोनिका को थोड़ा बुरा लगा और उसने मदद करने का सोचा। मियाँ को शायद उसका म्यूजिक पसंद आए। जैक ने गाना बजाना शुरू किया। मियाँ को ये कैसा लगेगा? ओलिविया पहली है जिसने उसका कॉन्सर्ट देखा। उसे ये शोर वाली परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई। जैक को निकाल दिया गया। किसी ने उसकी तारीफ नहीं की, सिवाय उस प्रोड्यूसर के जो पास से ही जा रहा था। उसने वही उस लड़के का टैलेंट पहचान लिया। एक मिनट बाद उसने जैक को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट और इंटरनेशनल फेम ऑफर किया। बुरी डेट का तुम बुरा मत मानो।
मियाँ भी डेट के बारे में ज्यादा बुरा नहीं मानी। What? वो अपने फेवरेट वीडियोस देखकर डेट के बारे में सब भूल गई। ये लोड नहीं हो रही है, मियाँ को मदद मांगनी पड़ेगी, शायद उसकी नैनी ठीक कर दे। ओलिविया कोई इंजीनियर नहीं है और उसे वाईफाई ठीक करना नहीं आता, मगर उसके पास काफी पैसा है तो वो कुछ और मदद कर सकती है। मिया और उसके फेवरेट एक्टर्स की मीटिंग सीधा सेट पर। ये वाईफाई ठीक करने से ज्यादा बेहतर है। वाह, अमीर नैनी के काफी सारे कनेक्शंस हैं। मिया को कॉमिक बुक्स बहुत पसंद है, वो उन्हें पूरा दिन पढ़ सकती है, मगर कॉमिक बुक्स हमेशा सबसे अच्छे पार्ट पर ही खत्म होती है। जब भी मियाँ को उसकी मांगी हुई चीज नहीं मिलती तो वो ड्रामा करने लगती है। अब उसे चुप कराने की बारी मोनिका की है। वो मियाँ को नई बुक तो नहीं दिला सकती, मगर वो उसके लिए कुछ नया जरूर बना सकती है। थोड़ी ही देर बाद उसने मियाँ को दो नैनीस के बारे में कॉमिक बुक दी। आखिर में दयालु गरीब नैनी गंदी अमीर नैनी को हरा देती है। ओलिविया को ये कहानी पसंद नहीं आई और इस कॉमिक बुक को फेंक देना चाहिए। बच्चे बहुत गंद मचाते हैं। मिया बहुत आलसी है, उसका कमरा बहुत गंदा है और उसे सफाई की जरूरत है। ओलिविया इसे साफ करेगी, मगर खुद नहीं, वो अपने इलेक्ट्रॉनिक पेट का इस्तेमाल करेगी, उसका रोबोट वैक्यूम। वो सफाई में माहिर है, उसने गोल्ड मोप को भी पीछे छोड़ दिया है। क्या तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? ये रोबोट जीत गया तो मेरा बेस्ट क्लीनर का दर्जा छिन जाएगा, मुझे इसे खराब करना होगा, वो भी प्यार की ताकत से। अब रोबोट और नॉर्मल वैक्यूम एक डेट पर है। मिया फिर से लखड़े कर रही है, उसे एक डॉग चाहिए। अब जब उसके पेरेंट्स शहर से बाहर है, शायद वो एक पेट रख सकती है, जबकि उसके पेरेंट्स मना करते थे। चाहे ओलिविया कितना भी मना कर ले, मिया की इच्छा माननी ही पड़ेगी और उसे मना नहीं कर सकते। वो उसके लिए एक डॉग खरीद लाई, बस वो जिंदा नहीं है, ये असली गोल्ड से बना है। हालांकि ये डॉग असली नहीं है, ओलिविया से बिल्कुल अलग। मोनिका समझती है कि मिया को क्या चाहिए, इसलिए उसने गोल्ड डॉग को बेच दिया और उन पैसों से एक जिंदा डॉग ले आई। मिया अपने नए पेट से बहुत खुश है। मोनिका का काम बन गया और उसने थोड़े पैसे भी कमा लिए। मिया अपनी दोनों नैनी से बहुत प्यार करती है, ये जताने के लिए उसने एक पिक्चर भी बनाई है। मोनिका बहुत खुश है, वो फोटो को फ्रिज पर लगा देती है। ओह, हर कोई नुक्स निकालता है, यहाँ सिर्फ ओलिविया ही है, वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। और वो पिक्चर ठीक करने के लिए अपनी पर्सनल आर्टिस्ट को बुलाती है। आर्टिस्ट आई और मिया की ड्रॉइंग को ठीक कर गई। खैर, उसने सिर्फ ओलिविया को ही बदला है, अजीब पसंद है। नैनीस एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, चाहे बात स्कूल के लिए तैयार करने की ही क्यों ना हो। ओलिविया नहीं चाहती कि मियाँ गरीब दिखे, सबको पता चलना चाहिए कि वो कौन है। क्या अमीर लड़कियाँ कभी चप्पल पहनती हैं? तुम्हें गोल्ड शूज पहनने चाहिए, उसे पता चलेगा तुम कितनी अमीर हो। वो सब तो ठीक है, मगर पीई क्लास में गोल्ड शूज कोई काम के नहीं है, वो सही नहीं लगते और वो किसी काम के भी नहीं है। खुशकिस्मती से मोनिका मिया पर नजर रख रही है और वो मिया को ऐसे नहीं छोड़ सकती। उसने मिया को अपने जूते दे दिए। शुक्रिया मोनिका, उसने उसे बचा लिया। एक और मुसीबत ये है कि जब तक मिया अपना होमवर्क पूरा नहीं करती, वो अपने दोस्तों से नहीं मिल सकती। ये बिल्कुल गलत है, वो इसके खिलाफ है। उसने दोनों नैनीस के लिए एक अलग अलग ऑफर के साथ इनविटेशन बनाया। मोनिका को बढ़िया डील्स के साथ नैनी डिस्काउंट मिला, वो बहुत खुश है और शॉपिंग करने को तैयार है। और ओलिविया को नैनी फैशन वीक का इनविटेशन मिला है, वो वहाँ मिस नैनी यूनिवर्स चुनेंगे। ओलिविया सालों से वो खिताब जीतना चाहती थी, इस तरह मिया ने अपनी नैनी से छुटकारा पाया, अपना होमवर्क टाल दिया और शानदार पार्टी की।
क्या आपको हमारी नई कहानी पसंद आई? आपकी मनपसंद नैनी कौन सी थी, हमें कमेंट्स में बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ट्रुम ट्रुम ट्रिक की नई वीडियोस मिस ना करें।